सो हेलो गाइस, नमस्कार करता हूँ मैं आपको। ट्रोन एस्ट्रोल के अंदर में आईडी लगाने के लिए सबसे पहले एक आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसको वैलेट बोलते हैं, ट्रोन लिंक प्रो। ठीक है, तो आपको व्हाट्सएप में लिंक आ जाएगा, तो आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके सामने यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहाँ पर दिखा रहा हूँ सर्च करके। देखिए, आप सर्च कर लेंगे ट्रोन लिंक प्रो, जैसे इतना करेंगे तो आपका आ जाएगा। फिर जैसे ये नीचे वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, ऊपर वाले पे भी क्लिक सकते हैं। तो हम कहीं भी मान लीजिए ऊपर वाले पे ही क्लिक कर दे रहे हैं। ठीक है, ये ट्रोन लिंक प्रो आपका ये वाला नीचे वाला एप्लीकेशन आ रहा है, इसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे। राइट, तो अभी क्या है कि इस फ़ोन के अंदर में मैंने इसको इंस्टॉल करके रखा है, इसलिए मैं जस्ट ओपन करके आगे की प्रोसेस बताऊँगा, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। राइट, जैसे इंस्टॉल हो जाता है उसको ओपन करिएगा। ठीक है, राइट, जैसे ही ओपन पे आप क्लिक करेंगे आपको ऐसे ही वैलेट ओपन हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर आपका पहले से वैलेट क्रिएट होगा तो आप इंपोर्ट करेंगे, और अगर नया वैलेट बना रहे हैं तो आप क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो क्रिएट पे आप ऐसे क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐसे एक पॉपअप आ जाएगा, इसको ओके कर देंगे। राइट, उसके बाद से टर्म एंड कंडीशन आएगा, आप इसको ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप कर देंगे। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा है, आप इसे चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, एंड उसके बाद से इस पर क्लिक कर देंगे। राइट, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर आ जाएगा नाम लिखने के लिए। राइट, तो मान लीजिए मैं मेरा नाम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अमर। अमर मैंने नाम लिख दिया, आप अपना नाम लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला लेटर कैपिटल लिखिएगा। राइट, अब उसके बाद से हम आ जाते हैं पासवर्ड में। ठीक है, तो ये पासवर्ड ऐसा है कि जो सिर्फ मैं ही इस्तेमाल कर सकता हूँ और मेरे फ़ोन में ही हो सकता है। तो मैं यहाँ पर ABCD कर देता हूँ और 1 2 3 4 कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये जो अपर केस यहाँ पर शो कर रहा है, ये अपर केस शो कर रहा है, ये लोअर केस शो कर रहा है नंबर, और ये तो सब ग्रीन हो जाना चाहिए। राइट, तो मैंने कर दिया। फिर से हम दोबारा से एक बार पासवर्ड यहाँ पर एंट्री कर देंगे, ABCD 1 2 3 4। ठीक है, अब पासवर्ड मैच हो चुका है, इसलिए अब हम इसको नीचे क्लिक करेंगे क्रिएट वैलेट पर। राइट, देखिए क्रिएट वैलेट पर हमने क्लिक कर दिया। राइट, अब क्या है कि बैकअप बोल रहा है कि आपका जो वैलेट क्रिएट होना है उसका बैकअप लेना है। ठीक है, यानी जो 12 शब्दों का कोड आएगा, तो अभी हम बैकअप नाउ पर क्लिक कर दे रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से बैकअप नाउ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये कोड आया हुआ है यहाँ पर, इस पर क्लिक करके आप देखेंगे कि आपका 12 डिजिट का कोड क्या है। तो इस पर क्लिक कर दिए, आपका ये 12 डिजिट का कोड हो गया। राइट, तो देखिए आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, दूसरे फ़ोन का सहारा ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कॉपी और पेन है तो उसका सहारा ले लेंगे। राइट, और इसको लिख लेंगे, ध्यान देंगे तो इस शब्दों के पीछे में आपको नंबर्स भी दिखेगा। ठीक है, तो उस नंबर के हिसाब से आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैंने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया है, दूसरे फ़ोन से मैंने वो ले लिया हुआ है, फ़ोटो ले लिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसका क्या करना है। ठीक है, नीचे ऑलरेडी बैकअप का ऑप्शन है ना, उस पर क्लिक कर देंगे। ऑलरेडी बैकअप पर क्लिक कर दिए, तो अभी ये बोल रहा है कि जो 12 शब्द आए हैं ना, उसमें दूसरे नंबर पर कौन सा शब्द था। देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर कौन सा शब्द था, समर था, ब्रेन था, क्लिप था, ये था, ये 9वें नंबर पे कौन सा था, ये जो हाईलाइट है ना, ये जो हाईलाइट है वही होगा, ये 11। तो 3 ऐसे आता है, कभी 3 कभी 4 आता है। ठीक है, तो अभी हम जो स्क्रीनशॉट लिए हैं उसके अंदर में देखेंगे कि 2 नंबर पे कौन सा शब्द है। तो 2 नंबर पर जो शब्द आ रहा है वो समर है, मैंने जो फ़ोटो लिया था, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, 9 नंबर पर जो आ रहा है उसमें अचीव है। ठीक है, तो ये अचीव हो गया। एंड इसके बाद 11 नंबर पर, तो 11 नंबर पर फॉरगेट है। तो जब ये जो आपने स्क्रीनशॉट लिया, ये जब इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं है, तो अब आप कंप्लीट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ये कंप्लीट पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये बन के तैयार हो गया वैलेट। देखिए ये आप यहाँ से बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब देखिए जो ऊपर में है यहाँ पर नाम दिखा रहा है, 0TRX यानी ट्रोन 0 है, आपका $0 है, और ये आपका एड्रेस हो जाता है, ये जो है ये आपका एड्रेस है। ठीक है, तो अभी क्या है कि जैसे ही आपको क्या बोलते हैं कि आपको आईडी एक्टिव करने के लिए इसी एड्रेस को भेजना पड़ता है, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे तो कॉपी हो जाएगा, फिर व्हाट्सएप में पेस्ट कर देंगे, भेज देंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैलेट इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए जो 12 शब्द हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर गलती से आप फ़ोटो नहीं ले पाए हैं तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, मी पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद से पब्लिक मैनेजमेंट पर जाएंगे। ठीक है, ये वैलेट दिख रहा है, अब यहाँ पर आप इसका बैकअप ले सकते हैं, या की स्टोन ले सकते हैं, या प्राइवेट की वगैरह, आप इसको बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या
क्या है, इसी का बैकअप लेते हैं। देखिए यहाँ पर है, ठीक है, तो आपको ये आएगा। फिर उसके बाद से यहाँ पर व्यू करेंगे, फिर जो पासवर्ड आपने सेव किया था ना, ABCD 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है, उसके बाद से कंटिन्यू कर देंगे तो ये आपका कोड जो है ऐसे खुल के आ जाएगा और आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं और फिर से इसको बैकअप ले सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो इसी कोड का अगर आप QR कोड लेना चाहेंगे तो यहाँ से आके स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हैं मेरे दोस्तों। इस तरीके से आपका वैलेट पूरी तरीके से बन जाएगा। जैसे ही वैलेट बन जाता है और आपकी ID एक्टिव करनी है तो आप बताते हैं तो उसके हिसाब से ID एक्टिव करा दी जाती है। एक्टिव कराने के लिए कुछ नहीं करना होता है, डिस्कवर पर आना है और जो आपको स्पॉन्सर लिंक आपका बताया जाता है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना होता है। फिर आगे ऑटोमेटिक बढ़ेंगे तो 1-2-3 स्टेप आगे बढ़ना, फिर ID आपकी एक्टिव हो जाएगी। तो सो सिंपल है, आपको वैलेट इस तरीके से क्रिएट करना है। एंड नहीं समझ में आता है तो आप वापस मुझे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी है। सो थैंक यू वेरी मच।